नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं लाइफ लाइन के बारे में। लाइफ लाइन कितने तरीके का होता है, इसकी क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसमें कितनी मजबूती होनी चाहिए कि एक किसी का वजन ले सके, और साथ में जहाँ पे लाइफ लाइन को हम बांधेंगे दोनों पॉइंट पे, उस एंकर पॉइंट का कितना स्ट्रेंथ बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में इसका एक वीडियो भी देखेंगे कि कैसे यूज होता है, जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाएगा कि लाइफ लाइन और एंकर के स्टैंडर्ड्स और इसके यूज। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि आपका पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं लाइफ लाइन क्या होता है। लाइफ लाइन एक फॉल प्रोटेक्शन सेफ्टी डिवाइस है, जो कि जहाँ भी हम काम करते हैं, खासकर हाइट पे, तो सेफ्टी बेल्ट उसका हुक फंसाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। यह जनरली वायर का बना होता है, रोप का बना होता है, और ये वर्क एरिया पे लगाया जाता है जहाँ भी हम काम करते हैं, फॉल को रोका जा सके। तो लाइफलाइन का एक ही एम है कि एक ऐसा आपको रस्सी जिसमें हम लोग इसको फंसा पाएँ, एक ऐसा वायर जिसमें हम फंसा पाएँ, और ये जब हम गिरे तो ये हमारा वजन रोक ले, तो इसे हम बोलते हैं लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइफ लाइन दो तरह का होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन होता है और एक होता है वर्टिकल लाइफ लाइन। तो ये दोनों के पोजीशन के अनुसार अलग अलग है। जैसा कि आप इस हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन में देख रहे हैं कि एक एंकर इधर किया गया है और एक एंकर दूसरी साइड किया गया है, और दूसरी साइड करने से यहाँ पे दोनों के बीच में रस्सी बांधा गया है और बीच में वजन दिया जा रहा है, यानी कि जो आदमी उसमें एंकरिंग करेगा वो आदमी वहाँ पे अपना, जैसे सेफ्टी बेल्ट जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ फंसाया गया है और एंकरिंग किया गया है, यहाँ पे ये एंकर पॉइंट है ना, यहाँ पे एंकरिंग किया गया है। तो ये है, चूँकि सीधा है, ज़मीन के पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन है इसके पोजिशन के अनुसार, ठीक है। अब जो है आगे ये वर्टिकल है। जब हम सीधी ऊंचाई चढ़ते हैं ऊपर में, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कहीं किसी खंभे पे चढ़ रहे हैं, या किसी कॉलम के ऊपर चढ़ रहे हैं, जो भी, या किसी टावर जो होता है उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसा कहीं भी चढ़ रहे हैं, तो हम लोग वर्टिकल लाइफ लाइन का यूज़ कर सकते हैं। आप तीनों फ़ोटो में देख लीजिए, ये किसी, लगता है कि नेटवर्क टावर है, और यहाँ पर आप कोई मास्ट लग रहा है इस तरह का, यहाँ पर वाल को, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग का जो ग्लास होता है वो क्लीन किया जा रहा है। तो ये सब लाइफ लाइन है और ये हमें सुरक्षा देता है, जब भी हम गिरने से हमें बचाता है, जब भी हम गिरते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखे होंगे कि सबसे पहले क्या होता है, तो स्ट्रक्चर खड़ा होता है और उसके कॉलम बीम ये सब खड़े होते हैं, और वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं रहता है, कोई लेडर भी नहीं, लेडर लगा के उतना ऊंचा जा नहीं सकते, वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म बढ़िया नहीं रहता है, वहाँ पे सीढ़ी का भी बना नहीं रहता है, तो वहाँ भी काम करना होता है, हमें बोल्ट फंसाना होता है, वहाँ भी बहुत सारा का काम रहता है, वेल्डिंग करना होता है। तो ऐसे कामों के लिए आप देखेंगे कि बीम के ऊपर एक बहुत पतला बीम के ऊपर कोई आदमी चलता है, और जब चलता है तो हमेशा गिरने का चांस रहता है, और ऊपर में बहुत दूर तक कुछ फंसाने का चांस नहीं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई दूर तक, ये पूरा बड़ा सा कॉलम है और इसमें बीच में कोई फंसाने का रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि अपने सिर के हाइट के पास हम एक दो कॉलम में एक रस्सी बांध दें, एक वायर रोप बांध दें, और ये मजबूत होना चाहिए ताकि हम अपना सेफ्टी बेल्ट फंसा सकें और आसानी चले। जब भी हमारा पैर स्लिप होगा तो हम जब भी गिरेंगे तो ये हमें, हमारा वजन रोक लेगा, और जब रोक लेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो यही मेन एम है लाइफ लाइन का। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली है कि जैसे हम कॉलम, ये नीचे वाला बीम है और ये कॉलम है, और ये दो कॉलम के बीच में अगर हमको कोई काम करना है तो हमें यहाँ पे ऐसे जाना पड़ेगा जैसे हमारे गिरने का चांस कभी भी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लाइफ लाइन लगा लेंगे यहाँ पे, और लाइफ लाइन लगाने के बाद हम ऐसा टाई कर देंगे और इसमें हम अपना बेल्ट का हुक फंसा के और हम चारों तरफ घूम पाएंगे, और इससे क्या होगा कि अगर हम गिरते भी हैं तो वहीं पे लटक जाएंगे, हम नीचे ज़मीन में आके नहीं टकराएंगे। तो ये एक सेफ तरीका है काम करने का।
तो इसमें ये लाइफ लाइन है और ये क्या है एंकर पॉइंट। यहाँ पे दोनों क्लियर हो जाए, दोनों एक ही हिस्सा है ये लाइफ लाइन का ही, और ये एंकर पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया लाइफ लाइन। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग दोनों के बारे में देख रहे हैं, ये देख रही है यहाँ पे ये एंकर पॉइंट है, इस कॉलम में बांधा गया है और ये लाइफ लाइन जो है यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है। और एक होता है सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन होता है, जो कि जनरली हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए या कहीं एक जगह काम करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारा मतलब कि निकलता है इसमें से और इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं जब जाते, लेकिन जैसे ही हम फास्ट गिरते हैं ना तो ये हमें लॉक कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन। मतलब कि ये जैसे ही आदमी पास जाएगा ना तो ये रस्सी को खींचेगा भी अपने तरफ, मतलब अपने से उसमें जो है वो रोटेट करके उसको बाइंड भी कर लेगा। तो ये है सेल्फ रिट्रैक्टिंग, ये भी काफ़ी जगह पे यूज होता है, जहाँ भी हमें जहाँ भी अनप्रोटेक्टेड एज है, जहाँ पे किनारा है ऐसा कोई गिरने का, वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी है वर्टिकल लाइफ लाइन में इसका यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं फॉल अरेस्टर, है ना। और ये जो है रोप है और ये रोप के सहारे चलता है और जैसे ही कोई आदमी गिरता है तो ये वहाँ पे उसको पकड़ लेता है और नीचे नहीं आने देता है। तो ये इसको हम लाइफ लाइन बोलेंगे और ये उसकी डिवाइस जो है फॉल अरेस्टर यूज़ करते हैं। तो ये रोप जो है ना ये लाइफ लाइन की तरह यूज होता है और ये रोप इतना मजबूत होता है ना कि कोई आदमी अगर गिरे तो उसका वजन ये ज़रूर ले लेगा, है ना। तो आगे भी हम लोग देखने वाले हैं कि एक जो लाइफ लाइन हो उसकी क्या मजबूती होनी चाहिए। तो लाइफ लाइन की जो मजबूती है वो आपको एक तो 19 mm जो अगर मनीला रोप यूज़ कर रहे हैं तो 90 mm का होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 19 mm का अगर मनीला रोप का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ देखेंगे तो लगभग 22.2 के आसपास उस किलो न्यूटन उसका स्ट्रेंथ रहता है, मजबूती रहती है। तो इससे ज़्यादा होना है, मतलब कि अगर 19 mm से अगर ज़्यादा जितना भी मोटा यूज़ कर रस्सी हो आपकी मर्जी है, बट कम नहीं होना है क्योंकि हमारा वजन ही नहीं सहेगा, है ना। वजन नहीं सहने का मतलब ये है कि इसकी एक जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 22 किलो न्यूटन जो है सेफ्टी बेल्ट का टूटने का रहता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा हम रखते हैं क्योंकि हम जब गिरेंगे तो हमारा डायनेमिक लोड भी आएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि एक एवरेज में हम मैक्सिमम जो है 100 kg का आदमी जो है सेफ्टी बेल्ट पहनता है तो कम से कम 20 गुना ज़्यादा उसका वजन जो है लेना चाहिए, है ना। तो जो डिसाइड किया गया एज़ पर ओसा ये 22.2 किलो न्यूटन का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए, है ना। तो ये है। और अगर हम स्टील रोप का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम स्टील रोप का यूज़ कर रहे हैं तो वह 12 mm स्टील रोप का होना चाहिए, क्योंकि 12 mm का स्टील रोप का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो इसके अबव होगा। अब आइए जानते हैं कि एंकर पॉइंट क्या होता है। तो मैंने आपको पिछले वाले पिक्चर में ही क्लियर कर दिया था कि एंकर पॉइंट क्या होता है। एंकर पॉइंट क्या होता है, एक सिक्योर पॉइंट होता है, ऐसा कहीं जगह जहाँ पे मतलब कि वैसा सिक्योर पॉइंट जो हमारा वजन ले सके, लाइफ लाइन जहाँ पे हम बांध सकें, लैनयार्ड को हम लोग उसमें फंसाने के लिए या रिट्रैक्टेबल लाइफ लाइन को उसके उसमें हुक करने के लिए, है ना। ये स्ट्रक्चरल स्टील हो सकता है या कोई और भी जगह हो सकता है, कोई भी ऐसा जगह हो सकता है जिसमें हम लोग फंसा सकें। और एज़ पर ओसा और ANSI स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसका जो कैपेसिटी है जो बियर करने का लोड वो 5000 pounds होना चाहिए। 5000 pounds कहने का मतलब हो गया आप देख रहे हैं इतना kg, लगभग 2.267 टन जो है इसका कैपेसिटी हो गया। अगर न्यूटन में करें तो 22.2 किलो न्यूटन का फोर्स जो है ये बियर करना चाहिए। जनरली जो है हम एंकर पॉइंट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 रखते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो भी गिरने के टाइम में जो लोड लगेगा उसका डबल लोड लेना चाहिए। तो हम जब गिरते हैं अगर 100 kg का है तो हो सकता है कि हम 1000 kg का हो जाएं, 1200 kg का हो जाएं, तो अब डबल करेंगे तो 2200 के आसपास तो हो ही जाएगा अगर हमारा फॉल होता है। तो इस तरह से अदरवाइज अगर आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है तो आप 500 pounds यानी कि लगभग 2.2 टन का वो कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए एंकर पॉइंट का। अगर आप इस स्नेर के नवी देखें तो इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी आदमी का वजन ले ले, और जितना ज़्यादा मजबूत हो उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मिनिमम जो स्टैंडर्ड भी जो सेट किया जाता है वो देखा जाता है कि पास्ट टाइम में किस तरह का एक्सीडेंट हो चुका है और एक्सपीरियंस के अनुसार जो है ये सब चीज़ किया जाता है। कभी कभी कोई कॉम्पिटेंट इंजीनियर अगर इम्पैक्ट को बोले कि वहाँ पे 1400 pounds वहाँ पे इम्पैक्ट लोड आएगा तो उस एंकर का जो है जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए 28, यानी कि इसका डबल, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यहाँ पे डबल।
तो अगर कंपिटेंट इंजीनियर है तो, लेकिन हर आदमी तो एंकर का पॉइंट का जो है स्ट्रेंथ या उसका इम्पैक्ट जो है नहीं निकाल पाएगा, तो जनरली हम लोग ऊपर में है जो दिया हुआ है वही यूज कर सकते हैं। ये कुछ एंकर पॉइंट के एग्जांपल है। हम ऐसे जगह जगह पे एंकर कर देते हैं, इसमें हम लोग लाइफ लाइन बांधते हैं, तो इसका स्ट्रेंथ उस तरह से डिजाइन है। यहाँ भी बोल्ट हम करके कहीं भी एंकर पॉइंट बना सकते हैं, ये भी दीवार में कहीं स्ट्रक्चर में बोल्ट करके हम एंकर पॉइंट बना सकते हैं। इस तरह से भी हम किसी दीवार में, किसी स्ट्रक्चर में, किसी प्लेट में ऐसा लगा के और बना सकते हैं। यहाँ भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंकरिंग किया गया है, यहाँ भी ये एंकर है जो कि यूज़ करने के लिए है। और जब हम एक, मैंने एग्जांपल लिया कि चलो एक वायर जो बिक रहा है एज ए लाइफ लाइन, उसको मैं चेक करता हूँ, ये क्रम का है और ये एक लाइफ लाइन है, तो इस लाइफ लाइन का क्या स्ट्रेंथ है मैं थोड़ा चेक करूँ। तो ये जो है जो फॉल एस्टर है इसमें 14 to 16 mm का रोप चलता है, ठीक है, और ये पोलियामाइड रोप है और इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है 25 kN। जबकि आपने देखा पिछले स्लाइड में कि हमें कितना चाहिए, तो 22 kN का स्ट्रेंथ ये लेना चाहिए मिनिमम, तो इतना तो ये है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे चीज़ जो भी लाइफ लाइन के तरफ यूज़ हो रहे हैं ना, वो सबका स्ट्रेंथ जो है 22.2 kN से ज़्यादा ही है, मतलब कि ज़्यादा वजन जो है ये बियर कर पाएगा। तो इसीलिए खासकर इन सेफ्टी में जो है, खासकर पर्सन की जब सेफ्टी की बात हो, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा केयरफुली डिसाइड करना होता है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं ना, ये एक ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये इसको भी हम एज ए एंकर पॉइंट बोल सकते हैं या कर सकते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि हम ऊपर कुछ फंसाने का जगह नहीं है, तो हम नीचे भी एंकर पॉइंट यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो कोई भी जहाँ भी हम लोड दे रहे हैं उसको एंकर पॉइंट बोल सकते हैं। कभी कभी जिस स्ट्रक्चर पे हम काम करते हैं वहाँ पे एंकर पॉइंट बनाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब कि जहाँ पे आप खड़े हैं उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे इस लेवल पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चर में इसको एंकर कर देते हैं यहाँ पे, और जब एंकर कर देंगे तो यहाँ पर अब लाइफ लाइन यहाँ पर हम बांध सकते हैं, यहाँ भी बांध सकते हैं लाइफ लाइन, यहाँ भी बांध सकते हैं। अगर कोई आदमी मान लेते हैं कि यहाँ खड़ा होकर काम कर रहा है अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सेफ्टी बेल्ट यहाँ फंसा सकता है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एंकर पॉइंट ऐसा कुछ है, ऐसा होना चाहिए। हम अपने काम के अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं कि एंकर पॉइंट किस तरीका का हो और हम बना सकते हैं, लेकिन एम यही है कि किसी को गिरने से रुकना है, यानी कि फॉल को प्रिवेंट करना है। अगर ये एम है तो ये हर एम फुलफिल करेगा। अगर आप चाहेंगे कि हम कुछ लाइफ लाइन ख़रीदें, कुछ एंकर के जो इक्विपमेंट वगैरह हैं वो ख़रीदें, तो आप ख़रीद भी सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे उसमें रोप रहेगा, उसमें ये एंकर करने के लिए उसके बेल्ट रहेंगे, डिवाइस रहेंगे, जिसको पूरी ये किट बोल सकते हैं, ये एंकर लाइफ लाइन के लिए। ये भी एक आप देख रहे हैं कि एक किट है जो कि ये लाइफ लाइन है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्ट वर्टिकल लाइफ लाइन यहाँ पे लगा हुआ है। ये सारे कीट हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। ये भी लाइफ लाइन का कीट है जो कि काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग खरीद सकते हैं। मार्केट में इसके कीट भी अवेलेबल हैं। ये भी कीट है, देख रहे हैं कि ये लाइफ लाइन है, ये पूरा फुल बॉडी हार्नेस, इसके एंकरिंग करने के लिए ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। यहाँ भी सेम उसी तरह का है, अलग अलग ब्रांड के, यहाँ भी सेम उसी तरह का आप देख रहे हैं कि ये मार्केट में मिलता है। और कंपनियों में जनरली रस्सी का यूज़ करते हैं या इस तरह का स्टील वायर रोप का भी यूज़ करते हैं एंकरिंग के लिए, खासकर स्ट्रक्चर वगैरह पे। तो आइए एक वीडियो देखते हैं जिसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे एंकर किया जाना चाहिए।